लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने हैं। एक नजर में समझते हैं। न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के अनुमान की अगर बात करें तो हरियाणा में टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल बीजेपी को 7 सीटों पर, वहीं कांग्रेस को 3 सीटों पर, न्यूज 24 बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4, एबीपी न्यूज 4 से 6 सीटें बीजेपी को और 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को दिखा रहा है। वहीं रिपब्लिक के सर्वे की अगर बात करें तो बीजेपी को 8, कांग्रेस को 2 आज तक के सर्वे के अनुसार, 6 से 8 बीजेपी, कांग्रेस को 2 से 4। इंडिया टीवी के सर्वे की अगर बात करें तो 6 से 8 बीजेपी, कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए। स्पर्श, एग्जिट पोल्स जो निकलकर सामने आए हैं, अगर हरियाणा में एग्जिट पोल्स की स्थिति देखें तो एक कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। कई एग्जिट पोल्स बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं एग्जिट पोल्स को? देखिए, इस बार एग्जिट पोल जो है आप भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटें नहीं दिखा रहे हैं। ये एक चीज जो है तमाम एग्जिट पोल में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि बढ़त इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम अलग अलग एजेंसीज के अगर हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो 6 से 8 सीटें जो है वो एग्जिट पोल जो है दिखाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा तो वो 4 सीटों का जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 6 सीटें जीतती हुई नजर आएगी, ये तमाम एग्जिट पोल जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वाकई अगर अच्छी स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आती है तो 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ये एग्जिट पोल जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले दिनों हमने देखा कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें कई बार एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल साबित नहीं होते हुए जो है नजर आते हैं। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि पिछली बार की तरह जो मिशन रिपीट है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अंदर खाने सुगबुगाहट इस प्रकार की है कि 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ जो है नजर आ सकता है। सिरसा की बात करें, रोहतक की बात करें, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ जो है नजर आ सकता है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ये अंदर खाने समझ रही है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, जिस तरीके से अलग अलग मसले थे, अग्निवीर की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, उसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। और जो एग्जिट पोल कांग्रेस को अधिकतम 4 सीटें दिखा रहा है वो आज जो है कहीं ना कहीं गलत आंकड़ा है। कांग्रेस को इससे ज़्यादा सीटें जो है हरियाणा में मिलती हुई जो है नजर आएगी। कुछ सीटों की बात कर दे, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं खुद को ये आश्वस्त मांग रही है, चूंकि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ती हुई नजर आई थी तो कांग्रेस ये समझ रही है कि 6 से 8 सीटें जो है कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ सकती है। ये अंदर खाने जो कांग्रेस के जो इंटरनल जो सर्वे होते हैं या फिर कहें कि इंटरनल जो बातचीत होती है नेताओं के बीच में उससे जो है निकलकर सामने आ रही है। हालांकि किस तरीके से जो है ये जो कांग्रेस समझ रही है, क्या वो जो नतीजों में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा, वो 4 जून को देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एग्जिट पोल ज़्यादातर हम बात करते हैं तो बीजेपी को जहाँ 6 से 8 सीटें दिखाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस की बात करते हैं तो 2 से 4 सीटें जो है कांग्रेस को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इसको अगर हम आसान भाषा में जनता को समझाने की कोशिश करें, पिछली बार जनता जो बीजेपी है वो 10 सीटें जीती हुई नजर आई थी, तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, जहाँ पर बीजेपी जो है 2 सीट या 4 सीट हारती हुई एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और कांग्रेस जो पिछली बार 0 सीट जीती थी, कुछ उनमें से कुछ चीज ऐसी थी, कुछ सीटें ऐसी भी थी जो कि बेहद कम मार्जिन से कांग्रेस जो है जीतती हुई नजर आई थी, वहाँ पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। हालांकि नतीजे किस प्रकार के आएंगे उसके लिए इंतजार जो है 4 जून का करना होगा। साथ ही स्पर्श, यहाँ पर जो सुगबुगाहट है और एक तरीके से वो तो भारतीय जनता पार्टी के भी खेमे में नजर आ रही है, जिस तरीके से सीएम नायब सैनी फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं, तमाम उनकी भी बैठक लगातार जारी है, पूर्व सीएम मनोहर लाल बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी भी इन एग्जिट पोल्स को जिस तरीके से देख रही है उसे भी समझना काफी जरूरी होगा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें बीजेपी यह एक बड़ी पिक्चर में इसको देखती हुई नजर आ रही है। बड़ी पिक्चर के संदर्भ में हम बात करें कि बीजेपी जिस तरीके से मिशन लेकर चल रही थी कि सरकार रिपीट होगी और बीजेपी 370, एनडीए 405,
और उसके आसपास हम बात करें तो जो एग्जिट पोल है 300 प्लस जो है तमाम सीटें एनडीए को मिलाकर जो है ज़्यादातर एग्जिट पोल कुछ 350 भी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की वो बनती हुई नज़र आ रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुश कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है और वो ये भी कह रही है कि जो एग्जिट पोल है उससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलती हुई जो है नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का अगर हम बात करें वो कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक मानसिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश होती है, सत्ता से जो है कहीं ना कहीं जो है मिले हुए कई लोग होते हैं, इस प्रकार के आरोप भी जो है विपक्षी पार्टियां जो है सीधे तौर पर लगाती हुई जो है नज़र आती है। लेकिन इसको अगर हरियाणा के संदर्भ में देखें तो पिछली बार जिस तरीके से 10 की 10 सीटें जो है जो बीजेपी जीतती हुई नज़र आई थी, तो वहाँ अगर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नज़र आती है या फिर एक से ज़्यादा सीट हारती हुई नज़र आती है जिस प्रकार से एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, तो उसका किस प्रकार का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आई थी। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको जो है बदल दिया गया था, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, ओबीसी चेहरे पर जो है एक दांव लगाया गया, जातिगत कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को जो है कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा तो एक निश्चित तौर पर ये विचारणीय होगा कि किस तरीके से जो है आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ सकती है। न्यूज चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, आपको बता दें 4 जून पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में एग्जिट पोल्स का अनुमान जो निकलकर सामने आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है।